हेलो दोस्तों, फिल्म फ्लिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनाबेल क्रिएशन मूवी की। एनाबेल क्रिएशन 2017 में रिलीज हुई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे डेविड सैंडबर्ग ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को पीटर साफरान और जेम्स वॉन ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई एनाबेल फिल्म की प्रीक्वल है और कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। आज के इस वीडियो में हम एनाबेल क्रिएशन मूवी की स्टोरी को डिटेल में जानेंगे। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक डॉल मेकर को देखते हैं जिसका नाम सैमुअल मलिंस था। मिस्टर मलिंस अपनी वाइफ एस्थर और अपनी बेटी एनाबेल के साथ एक प्यारे से घर में रहते थे। वो दोनों अपनी बेटी एनाबेल को प्यार से बी बुलाते थे। एक दिन जब वो तीनों चर्च से वापस घर आ रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है। मिस्टर मलिंस गाड़ी को ठीक कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक कार आती है जिससे एनाबेल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सिस्टर शैलेट और अनाथ आश्रम की कुछ लड़कियाँ मिस्टर और मिसेस मलिंस के घर जा रहे होते हैं क्योंकि उनका अनाथ आश्रम बंद हो चुका था और उनके पास रहने की और कोई जगह नहीं थी और मिस्टर और मिसेस मलिंस ने उन्हें अपने घर में रहने की परमिशन दे दी थी, इसलिए वो सब काफ़ी एक्साइटेड थे। वहाँ जाते वक्त फादर सिस्टर शैलेट से कहते हैं कि अगर मिसेस मलिंस से मुलाकात ना हो पाए तो हैरान मत होना क्योंकि कुछ साल पहले ही उनके साथ एक हादसा हुआ था और इस वजह से वो अपने कमरे में ही रहती है। थोड़ी ही देर में वो सब मलिंस के घर पहुँचते हैं और सब उस वैन से नीचे उतरते हैं और मिस्टर मलिंस से मिलते हैं। उन लड़कियों में जैनिस नाम की एक लड़की थी जो पोलियो का शिकार थी। सभी गर्ल्स उस पूरे घर को एक्सप्लोर करते हैं और तभी मिस्टर मलिंस उन्हें बताते हैं कि उनके रूम्स फर्स्ट फ्लोर पर है। सिस्टर शैलेट मिस्टर मलिंस से कहती है कि वो जैनिस के साथ नीचे ही रहेंगी क्योंकि जैनिस सीढ़ियों से ऊपर नहीं जा सकती थी। तभी मिस्टर मलिंस जैनिस को एक ऑटोमेटिक चेयर पर बिठाते हैं जिस पर बैठकर जैनिस सीढ़ियों के ऊपर जा सकती थी। वो बताते हैं कि उन्होंने इस चेयर को अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। जैनिस उस चेयर पर बैठकर सीढ़ियों से ऊपर आती है और तभी जैनिस के पीछे सारी लड़कियां ऊपर आती है। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद जैनिस एक रूम के पास आती है जो लॉक था। उस रूम के दरवाजे पर 5 साल, 6 साल और 7 साल लिखा हुआ था। ये कमरा असल में मिस्टर मलिंस की बेटी बी का था। जैनिस उस दरवाजे को जैसे ही खोलने की कोशिश करती है उसी वक्त मिस्टर मलिंस वहां आते हैं और वो जैनिस को रोकते हुए कहते हैं कि ये रूम बंद है और बंद ही रहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिंडा वहाँ आती है और वो जैनिस को लेकर एक रूम में आती है जहाँ काफ़ी सारे अधूरे डॉल्स थे। दूसरी तरफ हम सिस्टर शैलेट को अनपैकिंग करते हुए देखते हैं तभी उनकी नज़र उस कमरे में मौजूद एक खिड़की पर पड़ती है। सिस्टर शैलेट उस खिड़की को खोलती है और उन्हें एक एलिवेटर दिखाई देता है। वो उस विंडो को बंद करके जैसे ही मुड़ती हैं वो खिड़की अपने आप खुल जाती है और तभी वहाँ नैन्सी आ जाती है और वो सिस्टर शैलेट से घर के बाहर खेलने की परमिशन मांगती है। सिस्टर शैलेट उन्हें बाहर खेलने की परमिशन दे देती है और सभी लड़कियाँ बाहर खेलने जाती है। जैनिस अपने रूम से ही उन्हें खेलते हुए देखती है और अपसेट हो जाती है क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज्ड थी। और तभी हम जैनिस के पीछे एनाबेल की स्पिरिट को देख पाते हैं और उसी वक्त जैनिस को किसी के पीछे होने का एहसास होता है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी जैनिस को एक आवाज़ सुनाई देती है जो उस रूम के बाहर से आ रही थी। जैनिस उस आवाज़ का पता लगाने की कोशिश करती है और तभी उसे दरवाजे के पास एक नोट मिलता है जो किसी ने दरवाजे से नीचे उस रूम में खिसकाया था। उस नोट पर मुझे ढूंढो लिखा हुआ था। जैनिस अपने रूम से बाहर आती है और तभी बी के रूम से एक नोट बाहर आता है जिस पर लिखा हुआ था यहाँ अंदर, और तभी अचानक उस रूम का लॉक खुल जाता है मानो किसी ने उसे अंदर से खोला हो। जैनिस को लगता है कि शायद उस रूम में नैन्सी या कैरल होंगे जो वहाँ छिपे होंगे। जैनिस उन्हें पुकारती है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तभी जैनिस उस रूम के अंदर जाती है और अंदर जाने पर जैनिस देखती है कि उस रूम में ढेर सारे टॉयज थे और वहाँ उसे एक डॉल हाउस भी दिखता है जो ठीक मलिंस के घर का रेप्लिका था। उस डॉल हाउस के अंदर उसे उसी रूम में एक कबर्ड दिखता है। जैनिस उस डॉल हाउस में कबर्ड को खोलती है और उसमें उसे एक चाबी मिलती है। ठीक वैसे ही कबर्ड उस रूम में भी थी और वो उस चाबी से उस कबर्ड को खोल देती है। उस कबर्ड को खोलते ही उसे उसमें एक एनाबेल डॉल मिलती है जो एक चेयर पर बैठी हुई थी और उस कबर्ड के अंदर चारों तरफ पेपर चिपके हुए थे। जैनिस को वो डॉल काफ़ी क्रीपी लग रही थी और इसलिए वो उस कबर्ड को बंद करके मुड़ती है लेकिन तभी वो कबर्ड अपने आप खुल जाता है।
जानिस फिर से उस कबर्ड को बंद करती है और इस बार उसे चाबी से लॉक कर देती है, लेकिन वो कबर्ड दोबारा अपने आप खुल जाता है। फिर जानिस परेशान होकर एक बेडशीट से उस डॉल को ढक देती है और वो जैसे ही खिड़की के बाहर देखती है उसे मिस्टर मलिन्स दिखाई देते हैं। जानिस जैसे ही उन्हें देखती है वो डर जाती है क्योंकि मिस्टर मलिन्स ने उसे इस रूम में आने से मना किया था, और जब वो वहाँ से निकलने को मुड़ती है उसके सामने वही डॉल बेडशीट में ढकी हुई चलकर आती है और जानिस के सामने अपने आप गायब हो जाती है। जानिस ये सब देखकर डर जाती है और जैसे ही वो रूम से बाहर आती है वो रूम अपने आप लॉक हो जाता है। इस सब से घबरा कर जानिस अपने रूम में भागकर आती है। तभी वहाँ मिस्टर मलिन्स आते हैं और वो थोड़ी देर रुक कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उस कबर्ड में से वो डॉल गायब हो जाती है। अगली सुबह लिंडा दूसरी लड़कियों के पास आकर उन्हें हाइड एंड सीक खेलने को कहती है। दूसरी तरफ जानिस सिस्टर शार्लेट के सामने कन्फेस करती है कि वो उस रूम में गई थी जहाँ जाने के लिए मिस्टर मलिन्स ने मना किया था। जानिस सिस्टर शार्लेट को अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर शार्लेट को लगता है कि जानिस बहाने बना रही है। वो जानिस से कहती है कि वो सब मिस्टर मलिन्स के घर में रह रहे हैं और इसलिए उन्हें उनकी बनाए गए रूल्स को फॉलो करना होगा। यहाँ लिंडा छिपने के लिए जगह ढूंढ रही होती है और तभी उसे सीढ़ियों के नीचे स्टोरूम जैसी जगह मिलती है। लिंडा उस सीढ़ियों के नीचे वाले हिस्से के अंदर छिपती है और तभी उसे वहाँ एनाबेल डॉल दिखाई देती है, और उस डॉल के पीछे उसे एक शैतान भी दिखाई देता है जो लिंडा पर अटैक करता है, और लिंडा घबरा कर उस जगह से बाहर गिर जाती है। तभी वहाँ बाकी लड़कियाँ आती हैं और लिंडा का मजाक उड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। रात में कैरल और नैन्सी चादर के नीचे मिसेस मलिन्स का मजाक उड़ाते हुए खेल रहे होते हैं कि मिसेस मलिन्स एक शैतान है और वो रात में अपना शिकार ढूंढने निकलती है। उसी वक्त उन्हें वहाँ मिसेस मलिन्स की बेल की आवाज़ आती है। वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और तभी उनकी टॉर्च भी खराब हो जाती है और वहाँ अंधेरा हो जाता है। तभी उन्हें चादर के बाहर एक परछाई दिखाई देती है जो उनकी तरफ आ रही होती है। नैन्सी और कैरल ये देखकर डर जाती हैं और तभी एक शैतान मिसेस मलिन्स के रूप में उन पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो दोनों डर कर चीखने लगती हैं। तभी उनकी चीखें सुनकर सिस्टर शार्लेट और मिस्टर मलिन्स वहाँ आते हैं और नैन्सी और कैरल कहते हैं कि मिसेस मलिन्स यहाँ आई थी। तभी मिस्टर मलिन्स सबको बताते हैं कि उनकी वाइफ तो चल ही नहीं सकती। अगली सुबह जानिस नैन्सी से कल रात हुई घटना के बारे में पूछती है और नैन्सी उसे बताने की कोशिश करती है। तभी कैरल उसे चुप कराती है और वो कहती है कि कल रात वो सब कुछ उनका वहम था। दूसरी तरफ बेल की आवाज़ सुनकर सिस्टर शार्लेट मिसेस मलिन्स के पास आती है। मिसेस मलिन्स सिस्टर से पानी मांगती है और तभी वहाँ जानिस आती है और वो देखती है कि मिसेस मलिन्स सिस्टर को दूसरी तरफ मुड़ने को कहती है और वो अपना हाफ मास्क उतार कर पानी पीती है। तभी सिस्टर शार्लेट को वहाँ उनकी बेटी बी की तस्वीर मिलती है और मिसेस मलिन्स उन्हें बताती हैं कि बहुत कम उम्र में ही उसकी मौत हो गई। जानिस वहाँ से जाती है और तभी उसे वहाँ दीवार पर मिसेस मलिन्स की बेटी बी का फोटो मिलता है जिसमें उसके साथ एनाबेल डॉल भी थी। रात में जब जानिस उस फोटो को देख रही होती है तभी अंधेरे में बी की आंखें उस फोटो में चमकती हैं और उसी वक्त जानिस को बी के रूम से ग्रामोफोन की आवाज़ सुनाई देती है। तभी जानिस बी के रूम में आती है और वो ग्रामोफोन को बंद करती है और उसी वक्त वहाँ लिंडा आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। जानिस लिंडा को बताती है कि ये कमरा मिस्टर और मिसेस मलिन्स की बेटी एनाबेल का था। लिंडा की नज़र उस एनाबेल डॉल पर जाती है और तभी वो एक टॉय गन उठाती है और उसे चलाती है और उस गन से निकली हुई बॉल एनाबेल डॉल को लग जाती है। लिंडा जानिस से कहती है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए और जब उसकी नज़र दोबारा उस एनाबेल डॉल पर पड़ती है तभी वो देखती है कि एनाबेल डॉल का फेस अपने आप उसकी तरफ टर्न हो गया था। ये देखकर लिंडा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जानिस को वहाँ बी की डायरी मिलती है और जैसे ही जानिस उसे पढ़ती है उस रूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है और उस रूम में मौजूद कठपुतलियाँ अपने आप मूव होती है और तभी उस रूम में मौजूद डॉल हाउस के लाइट्स भी अपने आप ऑन हो जाते हैं। जानिस ये सब देख कर डर जाती है और तभी उसे विंडो के पास एनाबेल की स्पिरिट दिखाई देती है। एनाबेल जानिस से मदद मांगती है। तभी जानिस एनाबेल से पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें। तभी एनाबेल का फेस एक शैतान में बदल जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए और वो जानिस पर अटैक करता है। जानिस उस रूम से बाहर आती है और तभी अचानक सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जानिस उस ऑटोमेटिक चेयर पर बैठकर नीचे जाती है। तभी उसे फर्स्ट फ्लोर पर बी के रूप में वो शैतान दिखाई देता है और वो चेयर अपने आप ऊपर आने लगती है।
जानस उस चेयर को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चेयर नहीं रुकती। तभी कोई अदृश्य शक्ति जानस को ऊपर खींच लेती है और फिर उसे ऊपर से नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से जानस को काफ़ी चोटें आती है। अगली सुबह मिस्टर मलिन्स और सिस्टर शैलेट जानस का ट्रीटमेंट करवाकर उसे घर ले आते हैं और सिस्टर शैलेट सभी लड़कियों को जानस का खास ख्याल रखने को कहती है। यहाँ जानस सिस्टर शैलेट से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए और हमें यहाँ से जाना होगा। सिस्टर शैलेट जानस से कहती है कि हमारे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। तभी जानस बताती है कि वो उन सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, उसे किसी ने फेंका था और उसने इस घर में एक बुरी शक्ति को महसूस किया है जिससे उसकी आत्मा चाहिए। सिस्टर शैलेट जानस की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात में मिस्टर मलिन्स अपनी वाइफ से कहते हैं कि शायद उन्होंने उन लड़कियों को यहाँ बुलाकर गलती कर दी, क्योंकि शायद जानस गिरी नहीं थी। इस पर मिसेस मलिन्स कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था, 12 सालों से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ लिंडा अपनी बेस्ट फ्रेंड जानस से बातें करती है और फिर वो अपने रूम में जाती है। वहाँ जाते वक्त उसे बी के रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। लिंडा की होल से बी के रूम के अंदर देखती है और तभी उसे उस रूम में एनाबेल डॉल एक चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती है। लिंडा जब उस रूम का डोर खोल कर देखती है तभी उस चेयर पर से एनाबेल डॉल गायब हो जाती है। लिंडा घबरा कर अपने रूम में आती है और उस टॉय गन को अंधेरे में चलाती है। तभी वहां वो शैतान आता है और वो उस बॉल को खींचते हुए लिंडा से वो गन खींच लेता है। और तभी लिंडा को किसी के दौड़ कर आने की आवाज़ें आती है, जिससे लिंडा डर जाती है और वो अपने बेड पर चादर के अंदर छिप जाती है। उसी वक्त वहां के लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाते हैं और ज़मीन पर अपने आप पैरों के निशान बनते हैं। लिंडा जब अपने बेड के लेफ्ट साइड से नीचे देखती है तभी उसे वहां एनाबेल डॉल दिखाई देती है जो उसकी तरफ देख रही थी, और उसे शैतान का हाथ भी दिखाई देता है। इन सब घटनाओं से लिंडा काफ़ी घबरा जाती है। अगली सुबह सिस्टर शैलेट जानस को बाहर सनलाइट में ले आती है। तभी उन्हें घर के अंदर से बेल की आवाज़ सुनाई देती है और वो घर के अंदर चली जाती है। उसी वक्त वहाँ एक शैतान आता है जो जानस को लेकर घर के सामने वाले वेयर हाउस में जाता है। जानस वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन नहीं भाग पाती, और तभी वो शैतान बी के रूप में वहाँ आता है और जानस को पजेस कर लेता है। तभी सिस्टर शैलेट और लिंडा जानस की चीखें सुनकर वेयर हाउस में आते हैं और उन्हें जानस व्हील चेयर पर बैठी हुई मिलती है। लिंडा को जानस के बिहेवियर में बदलाव नजर आता है जिससे वो काफ़ी चिंतित हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिंडा जानस के बिहेवियर को लेकर सोच रही होती है तभी वहाँ मिस्टर मलिन्स आते हैं जो उससे उसकी परेशानी की वजह पूछते हैं। लिंडा उन्हें बताती है कि जानस बहुत अजीब बिहेव कर रही है। जानस उनकी बेटी एनाबेल के रूम में गई थी और वहाँ उसे वो वाइट ड्रेस वाली डॉल मिली। ये सब सुनकर मिस्टर मलिन्स लिंडा पर गुस्सा करते हैं और वो कहते हैं कि जानस से कहो वो उस डॉल से दूर रहे। तभी मिस्टर मलिन्स घर के अंदर आते हैं और उन्हें जानस के गुनगुनाने की आवाज़ें आती है। मिस्टर मलिन्स डाइनिंग एरिया में आते हैं और वहाँ उन्हें वो एनाबेल डॉल मिलती है और वहाँ एक नोट भी था जिस पर लिखा हुआ था ढूंढ लिया। तभी वहाँ जानस आती है जो अब चल सकती थी। वो उस शैतान का रूप ले लेती है और तभी मिस्टर मलिन्स उस शैतान को क्रॉस दिखाते हैं और तभी वो शैतान उनकी सारी उंगलियों को तोड़ देता है और उन्हें जान से मार देता है। सिस्टर शैलेट उनकी चीखने की आवाज़ें सुनकर वहाँ आती है और तभी उन्हें मिस्टर मलिन्स की डेड बॉडी मिलती है। नेक्स्ट सीन में लिंडा जानस को एनाबेल डॉल के साथ खेलते हुए देखती है। रात में जब जानस सो जाती है तभी लिंडा उस डॉल को उठाकर वहाँ से भागती है। सिस्टर शैलेट जब खिड़की से बाहर देखती है तभी उन्हें लिंडा कहीं जाते हुए दिखाई देती है और वो भी लिंडा के पीछे आती है। लिंडा जब उस डॉल को कुएं में फेंक रही होती है तभी वहाँ सिस्टर शैलेट पहुँच जाती है और लिंडा उन्हें बताती है कि इस डॉल की वजह से जानस अजीब बिहेव कर रही है और इसलिए वो इस डॉल को फेंक देगी। लिंडा उस डॉल को फेंक देती है और वो दोनों वहाँ से जाते हैं। तभी लिंडा को कुएं में से एक आवाज़ सुनाई देती है और जब लिंडा उस कुएं के अंदर देखती है कोई उसे उस कुएं के अंदर खींचता है। सिस्टर शैलेट लिंडा को बचा लेती हैं और उस कुएं को बंद कर देती हैं। जब वो दोनों वापस घर आते हैं तभी उन्हें जानस की जगह पर वही डॉल दिखाई देती है जिसे थोड़ी देर पहले ही वो कुएं में फेंक कर आए थे। सिस्टर शैलेट बाकी लड़कियों को जानस को ढूंढने को कहती है और वो उस डॉल को लेकर मिसेस मलिन्स के पास आती हैं और वो उनसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी मिसेस मलिन्स सिस्टर शैलेट को बताती है कि वो शैतान लौट आया है और तभी वो सिस्टर को एनाबेल के एक्सीडेंट की बात की कहानी बताती है। एनाबेल की मौत के बाद उन्होंने उस शक्ति से प्रार्थना की जो उन्हें उनकी बेटी से मिला सके और इस वजह से उन्हें उनकी बेटी वापस मिल गई थी और उन्हें उस घर में उसकी आवाज़ें सुनाई देने लगी।
फिर उसने उनसे उस डॉल में बसने की परमिशन मांगी और उन्होंने अपनी एनाबेल समझकर उसे वो परमिशन दे दी, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ गई थी और वो उसकी झलक देख पाते थे। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वो उनकी एनाबेल नहीं थी बल्कि एक शैतान था, और जब वो उस शैतान के पास क्रॉस लेकर गई तब वो शैतान जो एनाबेल के रूप में था वो अपने असली रूप में आ गया और तभी उसने मिसेस मलिन्स पर हमला किया जिसकी वजह से उनकी एक आँख चली गई। वो शैतान मिसेस मलिन्स की आत्मा चाहता था और इसलिए उन्होंने चर्च से मदद मांगी। वो शैतान उस डॉल से जुड़ा हुआ था और इसलिए उस डॉल को बी के रूम में उस कबर्ड में बंद कर दिया गया जिसके अंदर चारों तरफ बाइबल के पन्ने लगे हुए थे। इसके बाद उन दोनों को लगा कि वो शैतान वहाँ से चला गया है और इसलिए वो अनाथ लड़कियों को आसरा देकर प्रायश्चित करना चाहते थे, लेकिन वो अनजाने में ही उसे वही दे बैठे जो वो चाहता था। दूसरी तरफ बाकी लड़कियां जैनिस को ढूंढते हुए बी के रूम में आती हैं जहां जैनिस एनाबेल डॉल के साथ खेल रही थी। जैनिस नैन्सी पर चाकू से हमला करती है और तभी वो सब नीचे आती हैं और सिस्टर शैलेट को सब कुछ बताते हैं। सिस्टर शैलेट उन्हें एक साथ रहने को कहती है और पुलिस को कॉल करने को कहती है। वो सब पुलिस को कॉल करते हैं और तभी उन्हें मिसेस मलिन्स के रूम से बेल की आवाज़ आती है। जब वो उस रूम में आते हैं तभी उन्हें वहाँ मिसेस मलिन्स की आधी कटी हुई डेड बॉडी मिलती है जो दीवार पर लगी हुई थी। ये देखकर वो डर कर वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ सिस्टर शैलेट लड़कियों के रूम में आती हैं जहाँ लिंडा और केट छिपी हुई थी और तभी वहाँ जैनिस आ जाती है। सिस्टर शैलेट प्रेयर्स बोलती हैं और तभी वो हवा में अपने आप फ्लोट होती है और तभी जैनिस उन्हें मिरर पर पटकती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर लिंडा और केट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, लेकिन लिंडा भागते भागते गिर जाती है और कोई अदृश्य शक्ति उसे अंधेरे में खींच लेती है। लिंडा केट से भागने को कहती है और मदद लेकर आने को कहती है। यहाँ बाकी लड़कियाँ डर कर वैन में आती हैं और उस वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करती हैं। तभी उस वेयर हाउस के पास एक स्केयर क्रो था जो नैन्सी की आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। केट भी इन लड़कियों के पास पहुंच जाती है और फिर ये सब वेयर हाउस की तरफ भागते हैं। जैसे ही नैन्सी उस वेयर हाउस में आती है उन्हें अंदर वही स्केयर क्रो दिखाई देता है और तभी उस वेयर हाउस का डोर अपने आप लॉक हो जाता है और नैन्सी वेयर हाउस में अकेले रह जाती है। वो स्केयर क्रो एक शैतान का रूप ले लेता है और धीरे धीरे उस वेयर हाउस के सारे लाइट्स अपने आप गिरकर टूट जाते हैं। नैन्सी उस आखिरी लाइट को गिरने से रोकती है लेकिन तभी वो शैतान आखिरी लाइट भी तोड़ देता है जिससे वेयर हाउस में काफ़ी अंधेरा हो जाता है और नैन्सी उससे बचने के लिए वहाँ से भागती है और दूसरे रूम में आती है जहाँ मिस्टर मलिन्स डॉल बनाया करते थे। तभी उस रूम की खिड़की के पास नैन्सी आ जाती है और वो कैरल को वहाँ से बाहर निकालती है। दूसरी तरफ जैनिस लिंडा को मारने के लिए उसे ढूंढती है और लिंडा उससे बचने के लिए सीक्रेट लिफ्ट का इस्तेमाल करती है जो सिस्टर शैलेट के रूम में था। लिंडा उस लिफ्ट से मिस्टर और मिसेस मलिन्स के रूम में आती है जहां वो शैतान मिसेस मलिन्स की डेड बॉडी को पजस करके उस पर अटैक करता है। लिंडा उससे बचने के लिए दोबारा उस लिफ्ट में आती है और उस लिफ्ट से ऊपर जाती है, लेकिन वो लिफ्ट अचानक रुक जाता है और लिफ्ट के नीचे उसे जैनिस आते हुए दिखाई देती है। फिर वो शैतान उस लिफ्ट को नीचे खींचता है लेकिन लिंडा उस लिफ्ट पर लगे केबल के सहारे वापस ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद वो सिस्टर शैलेट को ढूंढती है लेकिन तभी जैनिस उसे देख लेती है और उसे मारने के लिए आती है। लिंडा जैनिस से बचने के लिए एनाबेल के रूम में उस कबर्ड में छिप जाती है। उस कबर्ड में लिंडा को एनाबेल डॉल दिखाई देती है जो उसकी तरफ देख रही थी। तभी लिंडा उसका फेस दूसरी तरफ करती है और उसी वक्त जैनिस लिंडा को पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिस्टर शैलेट एनाबेल डॉल को लेकर वहां आती है और वो जैनिस की गले में क्रॉस पहना देती है और उसे एनाबेल डॉल के साथ उसी कबर्ड में बंद कर देती है और पास की ही एक अलमारी को उस कबर्ड के सामने गिरा देती है ताकि जैनिस वहां से बाहर ना निकल पाए। तभी घर की सारी चीज़ें अपने आप हिलने लगती हैं और गिरने लगती है और सारे लाइट्स अपने आप ऑन और ऑफ होते हैं। सिस्टर शैलेट और लिंडा घर के बाहर भाग कर आते हैं जहाँ वो बाकी लड़कियों से मिलते हैं। उनके बाहर आते ही घर के सारे लाइट्स अपने आप टूट जाते हैं। अगली सुबह पुलिस वहां आती है और जब वो उस कबर्ड को खोलते हैं उन्हें उस कबर्ड में एनाबेल डॉल मिलती है और वो क्रॉस भी मिलता है जिसे सिस्टर शैलेट ने जैनिस को पहनाया था, लेकिन उन्हें वहां जैनिस नहीं मिलती। उस कबर्ड के अंदर एक बड़ा सा होल था और जैनिस उसी रास्ते से वहां से भाग गई थी। फादर भी वहां आते हैं और वो सबसे कहते हैं कि वो घर अब पवित्र है और अब वो डॉल एक नॉर्मल डॉल है। सिस्टर शैलेट और बाकी लड़कियां उस घर से दूसरी जगह जाते हैं और लिंडा जैनिस को लेकर काफ़ी अपसेट थी।
इसके बाद सेंट जो के अनाथ आश्रम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पीट और शैरन हिगिंस आते हैं। ये दोनों वही थे जिन्हें हमने एनाबेल मूवी में देखा था जो 2014 में रिलीज हुई थी। मिस्टर और मिसेस हिगिंस वहाँ जानिस से मिलते हैं जो अपना नाम एनाबेल बताती है और वो दोनों उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके बाद 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एनाबेल एक जादू टोना करने वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है और अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स को मार देती है। मिस्टर और मिसेस हिगिंस की चीखने की आवाज़ें सुनकर मियाँ नींद से जाग जाती है और वो जॉन को उनके घर चेक करने के लिए कहती है। ये वही सीन है जो हमने एनाबेल मूवी में देखा था और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको इस चैनल से जुड़े हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।